नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल अनमोल आयुर्वेदा में। दोस्तों, हमारे चैनल का मकसद है आप सभी तक सही से आयुर्वेदिक जानकारियों को पहुंचाना। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में घंटे को दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो दोस्तों, जानकारी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे बेलपत्र के फायदे के बारे में। भगवान शिव को चढ़ाया जाता है और इसका प्राचीन आयुर्वेदिक पुस्तकों में जिक्र भी मिलता है। यह भारत में हर जगह पर पाया जाता है। बेल के पेड़ का जीवन काल काफ़ी लंबा होता है। इसका वनस्पतिक नाम एगले मार्लोस है। इसका अन्य नाम है श्रीफल सदाफल। दोस्तों, इसके पत्तों का इस्तेमाल करके आप बुखार को ठीक कर सकते हैं। मधुमक्खी कहीं काट ले, ततैया कहीं काट ले, अगर खूब तेज दर्द हो रहा हो तो आप उस दर्द को कम कर सकते हैं। अगर मुंह में छाले पड़ गए हैं तो आप उस छाले को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, पेट में कीड़े हो जाएं तो आप उस कीड़े को मार सकते हैं। संधिवात की समस्या है, जैसे कि जोड़ों का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, कहीं पर सूजन हो गया है तो आप उसका इलाज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर पाइल्स की समस्या है, बवासीर की समस्या है तो दोस्तों आप इसका इलाज भी कर सकते हैं। दोस्तों, बेल का फल बहुत ही मीठा लगता है। इसका सेवन करने से हमारे आंखों की रोशनी बढ़ती है, बालों का झड़ना कम होता है। लेकिन इसके पत्तों के बारे में बात करें तो अगर आपको मधुमक्खी कहीं काट ले तो इसके पत्तों के रस को काटे गए जगह पर लगाने से राहत महसूस होता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बुखार हो गया है तो दोस्तों इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर पीने से बुखार में राहत महसूस होता है। इसके साथ साथ अगर मुंह में छाले पड़ गए हैं गर्मी के कारण तो दोस्तों इसके पत्तियों को चबाने से मुंह के छाले दूर हो जाते हैं। अगर पेट में कीड़े पड़ गए हों तो बेलपत्र का रस पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। दोस्तों, संधिवात की समस्या है, जोड़ों का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो तो बेलपत्र यानी कि बेल के पत्तों को गर्म करके बांधने से सूजन व दर्द में राहत मिलता है। अगर बवासीर की समस्या है तो बेल की जड़ को निकाल लें और साफ पानी से धो लें और इसे धूप में सुखा लें, फिर इसके गुदे का जड़ पीस लें और बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर उसका चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को सुबह शाम ठंडे पानी के साथ पीते हैं तो बवासीर में फौरन लाभ मिलता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।